स्वागत है आपके अपने JMD किसान YouTube चैनल में। किसान दोस्तों, आज हम आपको जो आप खबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर जो आप खबर देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन है, किसान भाइयों के लिए खबर है। अब उत्तर प्रदेश के किसान भाई और खुशहाल होंगे। CM योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है किसानों के लिए कि हर महीने किसानों को 3,000 रुपये उत्तर प्रदेश सरकार डायरेक्ट उनके खाते में सम्मान निधि की तरीके से पहुंचाई जाएगी। तो अगर आप कोई पूरी जानकारी लेनी है दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखें, तभी आपको सही और अच्छी जानकारी मिल पाएगी। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को 3,000 रुपये प्रति महीने देने वाली है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें सबसे पहले कि 3,000 रुपये उन किसानों को मिलेगी जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चली है। उनको सरकार उनके बुढ़ापे की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया है। उनके बुढ़ापे पर ध्यान देने के तरीके से उन्हें 3,000 रुपये प्रत्येक महीने देने की घोषणा से किसानों की खुशी की लहर छा गई है, क्योंकि 60 वर्ष के बाद किसान भाई जो होते हैं उनको ये जो बोनस वगैरह है, जैसे 3,000 रुपये और सम्मान निधि है, 60 साल है, पेंशन वगैरह है, ये सब जब मिलते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जितनी खुशी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा खुशी होती है। तो सरकार अगर ऐसा करती है और ऐसा करने के लिए घोषणा कर दिया है और ये तत्काल रूप से जब लागू हो जाएगी, तब ज़रूर एक अच्छी चमक उन 60 वर्ष के व्यक्तियों की होगी जिनका एक सहारा बनेगा ये 3,000 रुपये प्रति महीना। तो हम आपको बता दें दोस्तों, सठियावा ब्लॉक विकास खंड के ग्राम पंचायत पियरोपुर के निवासी किसान राम सरीक साहनी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में यह शानदार पहल की है। हर महीने 3,000 रुपये प्रदेश सरकार देने से फैसला वृद्ध किसानों के लिए बुढ़ापे का सहारा होगी। ये तो बात सही है कि 60 वर्ष के बाद जो भी धन सरकार से अर्जित करते हैं वह एक बोनस बहुत ही सहारा के रूप में होता है। जैसा कि हम एक उदाहरण रूप से बता दें कि सरकार जैसे पेंशन वगैरह 60 वर्ष के बाद जो मिलती हैं, जो मिलती थी और कुछ विभागों में भी मिलती हैं, तो उनसे बहुत सहारा है। बहुत सारी अभी लड़ाइयाँ चल रही हैं जहाँ पर उनको पेंशन की बहुत सारी दिक्कतें हैं। पेंशन पिछले बहाल कराने के लिए बहुत सारे संगठन आंदोलन कर रहे हैं। तो ऐसी बात है, खैर पेंशन के रूप में अगर सरकार किसानों की तरफ ध्यान दे रही है तो किसान इससे बेखूबी बहुत प्रसन्न होंगे और ये सच्चाई है कि 60 वर्ष के बाद उनका एक सहारा जरूर बनेगा। तो किसान सम्मान निधि की तरह ये खाता में डायरेक्ट भेजा जाएगा। एक वर्ष में किसानों को 36,000 रुपये मिलेंगे। तो सही बात है, अगर एक वृद्ध किसान, एक वृद्ध परिवार को 36,000 रुपये अगर एक साल में मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से अपना खाद्यान्न और रहन सहन और इलाज तक करा सकता है एक साधारण तरीके से। तो अगर किसानों की बात करें तो किसान कमला राय ने भी कहा है कि सरकार का कदम किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, यह किसानों के लिए बहुत सहारा होगा और बहुत बड़ा सहारा माना जाएगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसकी आगे की जानकारी लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको यह भी बताएँगे यह किस तरीके से आगे बनेगा, हम भी